वाराणसी में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का अनोखा रूप देखने को मिला। यहां वो एक बच्ची से मिलकर बच्चा बन गए और उसके साथ खेलने लगे, उसका हालचाल पूछने लगे। वैसे राजनाथ सिंह यहां विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा, दुष्टिराज गणेश मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन जब वो भैरवनाथ गली में थे तो वो एक नन्ही बच्ची की आवाज सुनकर रुक गए। देखिए आगे क्या हुआ। डायरी में क्या लिखा है? राजनाथ सिंह का छलका बाल बाल प्रेम, नन्ही आवाज सुनकर थम गए पैर, चाय की दुकान पर बच्ची से प्यार, प्यारी आद्या को दिया ऑटोग्राफ। आद्या गुड, ठीक है। नहीं क्या है लिखा? बहुत ही एक्टिव है, पढ़ने की जरूरत है। बहुत अच्छी हो, बहुत तेज भी है। तेज सबसे ज्यादा है। नाम पढ़ ली है ना? ना। गृह मंत्री राजनाथ सिंह वाराणसी आए तो थे पूजा पाठ के लिए, लेकिन यहाँ वो जैसे ही भैरवनाथ गली पहुँचे तभी नन्ही बच्ची की प्यारी आवाज सुनकर उनके पैर थम गए। राजनाथ सिंह वहीं गली में चाय की दुकान पर बैठ गए और बच्ची के लिए डायरी में लिखने लगे। देखिए किस तरह गृह मंत्री बच्ची के बारे में लिख रहे हैं और साथ ही बीच बीच में बच्ची से लार भी जता रहे हैं। आद्या गुड, ठीक है। नानी क्या है लिखा? बहुत ही एक्टिव है, पढ़ने की जरूरत। बहुत अच्छी हो, बहुत तेज भी है। तेज सबसे ज्यादा है। नाम पढ़ ली है ना? ना। राजनाथ सिंह ने डायरी में लिखा, प्रिय बेटी आद्या सुखी रहो, तुम बहुत प्यारी बेटी हो, तुम बहुत अच्छी हो, बेटा पढ़ो और आगे बढ़ो। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर आद्या बेहद खुश थी और इस खुशी में वो ठीक से हमारे पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी, लेकिन उसने जो भी जवाब दिया उसने सबका दिल जीत लिया। आप किससे मिले हैं अभी? ऑटोग्राफ किससे लिए हैं? क्या लिखा है आपके लिए उन्होंने डायरी में? डायरी में क्या लिखा है? बताते चले कि आद्या के पापा राकेश कुमार की फोटो स्टेट की छोटी सी दुकान है। उनकी बेटी जब भी कोई वीवीआईपी आता है तो उनकी बेटी ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ पड़ती है। पीएम नरेंद्र मोदी को भी इसने रोक लिया था। सीएम योगी जब आए थे तो बेटी उनका ऑटोग्राफ नहीं ले पाई थी, उस दिन वो बेहद निराश थी। सौरभ श्रीवास्तव, वाराणसी समाचार प्लस।